Dear student, it's our first lecture, third part, means continuation of our first lecture. If functional groups such as carboxylic acid, carboxyl group, in carboxyl moiety, hydrogen is replaced with OH moiety. Compound's name is carboxylic acid. If this hydrogen replaced with NH2 group, carboxamide. Name of compound is carboxamide. If this hydrogen is replaced with OR moiety, the compound name is carbalkoxy. If this hydrogen is replaced with halogen, compound name is chloroformyl. This is the cyano compound. हम इसको अब different examples से understand करते हैं. सबसे पहले हम longest carbon skeleton, carbon chain assign करेंगे. वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन चेन. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये आप देखें कि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और रूल ये कहता है कि नंबरिंग जो है वो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट की जाए. अगर फंक्शनल ग्रुप जो कि एल्डिहाइड मोइटी है यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो आइए फिर देखते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या पॉसिबल है. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक ये पॉसिबल है और सेकंड ये पॉसिबल है. अगर यहाँ से नंबरिंग कर लें तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन. अगर यहाँ से नंबरिंग कर लें तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन चेन, यानी सिमिलर है. हम कहीं से भी नंबर्स असाइन कर सकते हैं. अगर हम इसे कार्बन नंबर 1 असाइन करते हैं, इससे 2, इससे 3, इससे 4, तो कार्बन नंबर 2 पे कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं. एक को एल्डिहाइड ग्रुप ने फुलफिल किया हुआ है, सेकंड को जो है सेकंड को चेन के साथ कनेक्टेड है, तो दो हाइड्रोजन जो है उन्हें रिप्लेस्ड किया है एक मिथाइल ग्रुप, एक आर ग्रुप जो लगा हुआ है वो मिथाइल मोइटी है और दूसरा आर ग्रुप जो इस कार्बन नंबर 2 से अटैच है वो इथाइल मोइटी है. क्योंकि ये 4 कार्बन्स हैं तो इस ये है ब्यूटीन, ठीक. लेकिन एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में एल नेम के एंड में एल असाइन किया जाता है. जैसे अगर ये ब्यूटेन है लेकिन एल्डिहाइड है तो इसे कहेंगे ब्यूटेनल. ब्यूटेनल टू कार्बन नंबर 2 पे दो सब्स्टिट्यूशन है, एक मिथाइल और एक इथाइल. लेकिन मिथाइल एम से आता है और इथाइल ई से आता है, और ई पहले आता है एम बाद में आता है. तो 2 इथाइल एंड 2 मिथाइल ब्यूटेनल. इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन नल. सेकंड एग्जांपल की तरफ हम आते हैं. सेकंड एग्जांपल में भी सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमें एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद नजर आ रहा है. इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? एसिड. अब हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं तो वो हमें ये इस कार्बन से कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3 अगर हम इस तरह से लेते हैं तो यह भी 1, 2, 3. अगर हम इस कार्बन को लेते हैं तो ये भी 1, 2, 3, यानी 3 ही कार्बन है. तो हम अपनी आसानी के लिए यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3. अब आप ये देखिए कि कार्बन नंबर 2 जो है उस पे दो सब्स्टिट्यूशन आर ग्रुप की हैं और वो आर ग्रुप क्या है? मिथाइल. हम इसको किस तरह से नंबर
नेम असाइन करेंगे इसका नेम टू टू डाई मिथाइल, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप हैं इसलिए इसे कहा जाएगा डाई मिथाइल। और तीन चेन में तीन कार्बन्स आ रहे हैं, तीन कार्बन्स की चेन को प्रोपेन कहा जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एसिड मॉइटी है, एसिड मॉइटी को होती है कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, इसको जो है वो कहा जाता है उइक। जैसे ये है प्रोपेन, तीन कार्बन की चेन क्या होती है प्रोपेन, लेकिन यहाँ पे उइक का वर्ड का इजाफा कर देते हैं तो प्रोपेन के ई को रिप्लेस कर दिया है उइक से, प्रोपेन नोइक एसिड, एसिड वर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप यहां पर अमाइड ग्रुप है, अमाइड। यहां से हम स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब आप ये देखिए कि कार्बन नंबर 3 पे एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है एक मिथाइल से, ठीक है। अब इसको क्या नाम देंगे, 3-methyl, क्योंकि 3 पे मिथाइल ग्रुप है। टोटल 5 कार्बन है तो पेंटेन, और अमाइड ग्रुप है तो पेंटेन अमाइड। आई थिंक आप सबने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा इस रूल को। हम आगे चलते हैं। नंबर 5 रूल है फॉर लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 2 or more फंक्शनल ग्रुप, मींस पॉली फंक्शनल कंपाउंड। व्हेन अ कंपाउंड कंटेनिंग 2 or more फंक्शनल ग्रुप, वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चूजन एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड द रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। इट्स मीन के अगर कोई कंपाउंड है उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हम एक फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेते हैं और दूसरे को जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रायोरिटी किस तरह से हम लोग सेट करेंगे, व्हेन 2 or more फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज चूजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, सल्फोनिक एसिड देन कार्बोक्सैलिक एसिड देन एसिडिक एसिड एनहाइड्राइड देन ईस्टर देन एसिड क्लोराइड देन अमाइड देन नाइट्राइल आइसोसाइनाइड एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल अमाइन अल्कीन अल्काइन हेलो हेलो नाइट्रो ऑक्सी एंड अल्काइल फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो इनके जो हैं वो प्रायोरिटी वाइज ये लोग सेम जगह आते हैं। हाइड्रोक्सी को OH से डिनोट किया जाता है, अल्कोक्सी को OR से, R जो है वो जनरल है, R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है जैसे इथॉक्सी प्रोपॉक्सी ब्यूटॉक्सी एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह से कार्बो ग्रुप है तो वो कीटो और ऑक्सो से नेम उसे असाइन किया गया है। नेक्स्ट वन है फॉर्माइल, फॉर्माइल में इसके बाद है अमाइनो इमीनो एन अल्काइल अमाइनो, यानी अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन की वैलेंसीज कितनी होती हैं, 3 ग्रुप उसके साथ अटैच हो सकते हैं। अगर इसके साथ एक एच है और सेकंड जो है वो एच जो है वो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस्ड हो गया तो इसे एन अल्काइल अमाइनो कहा जाएगा। इसी तरह से एन अगर एन के साथ जो 2 OH ग्रुप एटम्स अटैच होते हैं अगर वो रिप्लेस्ड हो जाएं 2 R से
तो एन एन डाई अल्काइल अमाइनो, इस तरह से कार्ब ऑक्सी साइनो, कार्ब एल ऑक्सी, कार्ब ऑक्सी अमाइड एंड क्लोरोफॉर्माइल, क्योंकि यहाँ क्लोरीन है तो इससे क्लोरोफॉर्माइल कहा गया है। अगर इस जगह ब्रोमीन होता है ब्रोमोफॉर्माइल, जो भी हेलोजन होता उससे इससे रिप्लेस कर देते। थैंक यू वेरी मच। हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एग्जाम्पल से इसे मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे।